पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे विकास कार्यों के चलते शहर को बहुत जल्द कंट्रोल कमांड सेंटर का तोहफा मिलने वाला है। महापौर विनोद अग्रवाल की माने तो उनका कहना है कि शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कंट्रोल कमांड सेंटर मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के तहत तैयार किया गया है। अगस्त माह में कंट्रोल कमांड सेंटर का काम पूरा हो जाएगा, जो मुरादाबाद शहर को समर्पित होगा। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक लाइट और सिग्नल्स को मुरादाबाद में कंट्रोल कमांड सेंटर से ही कंट्रोल कर लिया जाएगा, जो पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के लिए भी जरूरी होगा। दरअसल मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के तहत चौथे चरण में सिलेक्शन के बाद 48 कार्य को चिन्हित किया गया था। तब से अब तक लगभग 13 कार्य पूरे कराए जा चुके हैं और बाकी कार्यों के टेंडर कराकर जल्द कार्य को कराने का काम किया जा रहा है। जो कार्य हमारे पूरे हुए हैं उसमें लगभग 24 स्कूलों का रिनोवेशन कराया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर रूफ प्लांट, 7 बड़े पार्कों का सौंदर्यकरण कराया गया है, इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट सेंटर बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ शहर को रोशनी से जगमगाने के लिए हाई स्ट्रीट मास्क लाइट शहर में लगाई जा चुकी हैं। उसी के साथ साथ वाटर एटीएम का भी काम पूरा किया जा चुका है। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में लगभग 48 कार्यों को चौथे स्टेज में जब सेलेक्ट हुआ था तब फाइनल हुए, उसमें से 13 कार्य कंप्लीट हो चुके और बाकी कार्य लगभग उनके सबके टेंडर हो चुके हैं और वो फ्लोर पे हैं। जो कार्य पूरे हुए हैं उसमें हमारे 24 तो स्कूलों का रिनोवेशन हो चुका है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है, सोलर रूफ टॉप का कार्य पूरा हो चुका है, 7 जो बड़े पार्क थे सौंदर्यकरण के वो पूरे हो चुके हैं, स्मार्ट सिटी का चार्जिंग स्टेशन का कार्य पूरा हो चुका है बसेस का और हाई मास्ट लाइटें वो हो चुकी हैं, टॉयलेट का काम हो चुका है और वाटर एटीएम का कार्य हो चुका है। सर क्या कुछ कार्य कुछ शेष भी बचे हैं सर उस काम में? सर क्या चीज कुछ कार्य शेष भी बचे हैं सर? अभी बहुत सारे कार्य शेष बचे हैं, आप आइए अभी मेरे साथ। एक पार्किंग कंट्रोल कमांड सेंटर जो ये बराबर में बन रहा है, बहुत तेजी से इसके अंदर शहर में कैमरे लगाने का कार्य हो रहा है और ये मैं समझता हूँ कि अगले महीने ये बहुत बड़ा कार्य पूरा होने जा रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।